किसमें होता है पहले बताओ तो, इतना के लिए तुम हमेशा नाराज होके रहेगी, तो ऐसे चलता है क्या लेकिन दुनिया? आप बोलते ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, रात के वजह से बेमतलब से झगड़ा कर लेते, बेमतलब से कुछ भी करते और हमारे ऊपर छोड़ के चले एक जाते। बात मैम बताओ, समझो एक रात तो, में वीडियो लगाया था आपने, देखा था कि माला के साथ जो है मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, जिसके कारण से देखिए गाइस अभी तक तो है ना किचन में देखिए शाम का 5 बज चुका है और सारा कुछ वैसे बिखरा पड़ा है। खुद जो चाय बना के पिए वो चाय का भी अभी तक बर्तन नहीं धोई है, और मैं जब अभी आया हूँ काम पर से उसको तभी से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। ए, क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ है। देख रहे क्या? तभी से आया हूँ तो ऐसे तभी से मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ क्या पूछ रहा हूँ, तो कुछ बोल नहीं रही है। चलो चलो क्या हुआ, उठो चलो। आपको क्या क्या परेशानी है, बैठने दीजिए हमको। क्या हुआ सो, और नहीं ऐसे समझो देखते हैं कि बात, मुँह मेरे को तभी से आया तो सब मुँह भी मैं उघा रहा, तो मुँह भी मेरे को ऐसे ढक के सोइए। देखिए देख रहे क्या, देखिए किस तरीके से क्यों कर क्यों रहे। आप इतना मेरे को मत परेशान करिए, मुझे बैठने दीजिए। आपकी वजह से सब कुछ होता है ना। आप अच्छे से रहिए, मेरे को मत क्या बोलिए। मेरे वजह से क्या हुआ? अरे लेकिन रात में जब लड़ाई हुई तो उस मैं सुबह ज़्यादा टाइम उसका सॉल्व हो गया था, तो अभी क्या हुआ? तुम क्या तुम मन में है जो इतना करके रखिए नाटक फिर? आपको ऐसे ही हाँ सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेरे को जो होता है ना मेरे को समझ में आता तो है। रो क्यों रही है तुम रे? हाँ मत रो क्या हुआ यार? अरे पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो होते रहता है ना, होने दीजिए ना। क्यों रोती है हर एक। आप हमको बोलते हैं ना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमको, बहुत अच्छे से ये करता हूँ। तो क्या हुआ क्यों रे, पति पत्नी में नहीं होता है अनबन तो किस में होता है पहले बताओ तो, इतना के लिए तुम हमेशा नाराज होकर रहेगी, तो ऐसे चलता है क्या लेकिन दुनिया? आप बोलते ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आपकी वजह से जो कुछ होता है ना होने दीजिए ना। आप जाइए, आप अपना काम करके आए ना, खाना खाने का है, खाना भी खिला देते आपको। लेकिन तुम इतना नाराज होकर रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है ना यार, तुम नाराज मत रहो ना, क्या हो गया कुछ बताओ तो उसका, बताओ तो क्या। लेकिन रात की बात तुम अभी तक, रात की वजह से तुम परेशान है क्या, रात में लड़ाई किस लिए? रात के वजह से बेमतलब से झगड़ा कर लेते, बेमतलब से कुछ भी करते और हमारे ऊपर छोड़ के चले एक बात जाते। बताओ तो, रात में तुम उस तरीके से गलती की, तुमको सोने का टाइम हो गया तो सोना छोड़ के मोबाइल देख, इसलिए हम गुस्सा हुए जी। हाँ वैसे आपको क्या शौक है क्या गुस्सा होने का? हाँ और बोलते हैं तो हर एक बात के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपके सामने व्यूवर्स को भी दिखाते, देखिए कितना बड़ा अपशगुन होता है क्या हुआ, क्या हुआ आप सब? मेरे साथ। क्या क्या देखिए, यहाँ पे मेरा मंगलसूत्र टूट गया, मैं रोनो तो क्या करूँ। अरे तो मंगलसूत्र टूट गया तो इसके लिए तुम रो रही है यार? मंगलसूत्र टूट गया तो अच्छा, यहाँ का लड़ी टूट गया क्या? तो टूट गया तो उसको बनवा लेंगे ना, उसमें क्या इतना दिल में रखने की कोई बात है क्या? आप काम पे गए थे ना, कितना परेशान हो रही थी मैं क्या परेशान कि हो रहे थे? कुछ हो गया क्या क्या, मतलब कितना। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ कुछ भी हुआ तो आपको अरे कुछ वैसी बात फर्क नहीं है ही बाबा, नहीं तो पड़ता है। ये लीजिए, ये क्या आप ही देख लीजिए इसको क्या क्या हुआ। क्या हुआ है? मंगलसूत्र तोड़ दिए, ये तो टूट गया। टूट गया तो उसको बना लेंगे ना, चलो ना पहन लो गला अच्छा नहीं लगता, चलो पहन लो नहीं तो। पहनते, अरे पहन लो, इसके लिए इतना नाराज हो रही है क्या तुम नाराज नहीं हूं तो क्या तो? करूं। चलो चलो बनवा लेंगे, चलो पहन लो, चलो मेरा चलो बन। नसीब है ऐसा, सब कुछ जोड़ती रहती हूँ, टूटता रहता है। अरे बाबा वैसा कुछ नहीं होता है क्या, कपड़ा आदमी पहनता है तो नया कपड़ा रहता है, तो कपड़ा एकदम पुराने नहीं होते क्या, उसका धागा खराब हो गया इसलिए वजह से टूट गई, तो उसके लिए कितना परेशान हो रही है। चलो मत हो नाराज मत हो, चलो इतना नाराज भी मत रहो, चलो इतना नाराज मत रहो यार, तुम नाराज रहोगे तो अच्छा नहीं आप लगता है। मेरे से प्यार नहीं करते इसलिए तो अपने आप ही इसमें क्या क्या जबरदस्ती, तो रात को कुछ अरे भी नहीं लेकिन हुआ था लेकिन जबरदस्ती की, अपने आप ही से टूट गया ये। कितना दिन उसको हो गया, उसका धागा पुराना हो जाता है ना रे, इस वजह से वो टूट जाते, उसमें तो पानी फिर जाते अभी रहता है, ये क्यों खराब टूटा, होता रहता पहले है। टूटना था ना, हाँ तो आज चलो ही के ना दिन क्यों टूटा। बनवा लेंगे, चलो नाराज मत हो, और उस छोटे छोटी छोटी बात को लेकर के घर में टंटा मत करते रहो, चलो 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 मान जाओ, चलो नहीं मानते हो, हाँ चलो बाबा मान जाओ, क्या यार तुम ऐसे करेगी तो कैसे होगा बता नहीं तो। आप हाँ चल जाइए, खाना चाहिए ना आपको, खाना भी देती हूँ, अच्छा पर खाना नहीं मुझसे बात चाहिए, मत अच्छा कीजिए आप। मुझे मुझे मालूम पड़ गया ना तुम किस वजह से नाराज थी, चलो ना पहन लो, चलो चलो पहन लो, चलो पहन लो, खाना नहीं खाएंगे, चलो पहले उसको तुमको बनवा के ही ला के देते, फिर 2 साल के बाद खाएंगे, चलो 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 पहन लो ना, रहने दो ना गला, उसको मत निकालो, जान मुझको मत खींचो ना, उसको लगा लो गले में, लगा लो। और बोलते रहते प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ और झगड़ा भी करते। प्यार करता हूँ बाबा तुमसे, मत हो नाराज, इसलिए तुम्हारे गोदी में। अब हटी नहीं, रो मत यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, जो मत रो, चलो 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 हाँ चलो। बाबू देखो वहाँ पे, अच्छा बाबू मम्मी को कुछ नहीं हुआ है तो देखिए कच वहीं पे रुको ना, मम्मी को कुछ नहीं हुआ है तो देखिए मेरा बाबा तृप्ति भी परेशान हो गई है, मम्मी इसकी रो रही है तो, अच्छा चुपो ना, मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो, जाओ तुम देखो ना मोबाइल, मम्मी कुछ नहीं हुआ है बेटा रे,
तो देखिएगा जिस तरीके से ये रहती है, तो देखिए मैं परेशान, बच्चे परेशान, लेकिन इसको समझना चाहिए ना, अकल की बच्ची को छोटे मुझे समझना चाहिए, आपको नहीं समझना चाहिए। अरे लेकिन रात का बात बाबा, लेकिन सुबह में जाते टाइम हम कर दिए ना, बोले ना जाने दो बाबा, सॉरी बोल के गए थे ना, तो उतना बड़ा तुम उसको लेके विषय बना के रखे तो कैसे होगा बताओ। तो चलो नाराज थी मैं, फोन नहीं कर सकती, फोन नहीं, फोन हमको भी गुस्सा हुआ ना तो क्यों फोन करेंगे तुम, तुमको सही बात बोले रात में तो तुम हमसे गुस्सा होगी, सुबह में जाते टाइम मुंह फुला के कर बैठी है। 11 बजे ही टूट गए थे, 11 बजे से मैं ये कर करके परेशान हो गई। मान जाओ, चलो चलो पहले बाबा लेट हो रही, चल पहले तुम्हारा मंगलसूत्र को ही बना के ला के देंगे, उसके बाद खाएंगे। अब तो हंस जाओ थोड़ा। अब गाइस मेरी बीबी फिर से खुश हो गई, और इस तरीके से होता है गाइस, थोड़ा सा इसका जो है ना मंगल सूत्र गले का टूट गया तो थोड़ा सा नाराज़ हो गई, और मुझे मालूम ही नहीं था, आके तभी से इसको पूछ रहा हूँ तो ये बता नहीं रही है। तो चलो कोई नहीं, चलो बना देंगे। चलो मान जाओ आई लव यू बोल दो। नहीं बोलते हूँ। बोलो तो आई लव यू बाबा, बोलो आई लव यू। हम थोड़ी झगड़ा के हम बोले। अच्छा चलो मैं ही बोलता हूँ आई लव यू। आई लव यू टू। तो चले गाइस अब जाता हूँ मंगलसूत्र बनवाने के लिए, घर में देखिए कैसी कैसी परेशानी होती रहती है। तो यहाँ पे देख पा रहे गाइस हम तीनों जने जो है आ चुके हैं यहाँ आंटी के पास मार्केट में, क्योंकि हम लोग जब भी महाराष्ट्र में जब से आए हैं तो हर एक टाइम जब भी मंगलसूत्र माला का टूटता है तो यहीं से हम लोग बनवा के लेके जाते हैं, और इन लोगों को जल्दी भी हो जाता है बनाने में क्योंकि काम ही यही करती है, और अपने से तो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और उतना मतलब अपने पास सामग्री भी नहीं रहता है, सुई धागा उसका धागा ही कुछ अलग तरफ का लाइन उनका होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मंगलसूत्र जो है माला का अब फाइनल हो चुका है, और इसको हमने थोड़ा की अपेक्षा पहले की अपेक्षा थोड़ा इसको साइज में बड़ा बनवाया है, और आंटी यहाँ पे देखिए सारा कुछ फाइनल करके अब दे दी है माला के हाथ में, और माला देख रही है कि साइज बराबर बैठा कि नहीं, और अब मुझे दे रहे देखने के लिए कि साइज बराबर हुआ कि नहीं, देखिए। और यहाँ पे देखिए फिर उस चीज़ को मैं बोलता हूँ हाँ ओके। और पैसे देते टाइम फिर से यहाँ पे माला वीडियो शूट करने लगी है, 100 रुपये देना पड़ा आंटी को मंगलसूत्र बनवाने का। तो यहाँ पे फिर हमने पैसे दे दिया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े रूम की तरह, और आगे रूम पे देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जस्ट हम लोग आए हैं बाज़ार से मंगलसूत्र माला का बनवा के, और देखिए गले में एकदम मंगलसूत्र चमचमा रही है। अब लाइसेंस मिल गया इसको फिर से, मेरा लाइसेंस तो पहले से मिला हुआ था लेकिन किसी कारण नाराज होने के कारण वो भी खंडित हो गया था, है ना जी। और तृप्ति के लिए लेके आए हम लोग नूडल्स पतंजलि का, तो वही डिक्की में रखा हुआ था तो निकाल के लेके आ रहे। तो अब तो खुश हो ना जी, चलो मैं भी आ जाता हूँ सामने सामने। और ये तृप्ति ने खरीदा आज नया वाला मोबाइल। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी बीवी की चेहरे पे फिर से आ गई मुस्कान गाइज, और इसी तरीके से हम लोग का रियल लाइफ में जो है ना थोड़ा खुशी कभी गम। लिया है मैंने बिंदी, और देखिए गई मंगलसूत्र बनवाने के लिए, देखिए फिर भी मेरे को 100 रुपया का ज्यादा ही चुना लगा दी। इसी का नाम का है, एक चुटकी सिंदूर, एक बिंदी, एक बिंदी और ये धागा। तो फिर से कभी टूट जाएगा तो खुद से गुथना पड़ेगा क्योंकि गांव में वैसा सुविधा नहीं। हाँ, इसके लिए हमने बोला कि धागा भी ले लो, गांव में टूटेगा तो फिर। और इस बार जो है मैंने बड़ा बनाया है कि मेरे आंख तक पूजा करने टाइम पहुंच सके, जैसे कि मैं पूजा करती हूँ तो इस तरह से चुम्मा ले सके हर एक टाइम मंगलसूत्र का। हाँ, ये देखिए ऐसे पहले मतलब छोटा साइज था, से ऐसा टूटने तक इंतजार किया। तो नेक्स्ट टाइम सोचे कि तो ये देखिए अभी राज खुल गई, देखिए कि जान किसके मतलब खिंच खिंच के तोड़ी है। कबूल किने से खींच खींच के तोड़ी है ना, इसलिए नहीं जाता था नाक के पास ऐसा। अच्छा अच्छा, हमारा जो थोड़ा सा अपने लाइफ का उसको क्या बोलते हैं रियल लाइफ आपके साथ शेयर किया हूँ हमारा। हम सोचते हैं फ्रेंड्स प्यारी प्यारी मैडम का आपको कैसे लगी, अभी की सिचुएशन है, अभी काम छूट गया है तो ऐसा लगना नहीं चाहिए इनको कि बीवी काम पैसे के लिए प्यार करती थी, लेकिन ये मेरा फायदा उठा रहे तो अच्छा। मैं जोर से अभी झगड़ा करूंगी बस। तो चलिए गाइस डीजे इजाजत मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में।